हे गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले गोरखा रेजिमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग गोरखा रेजिमेंट की हिस्ट्री, गोरखा रेजिमेंट कैसे क्रिएट हुई, गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी में क्या रोल प्ले करती है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। 1947 में इंडिया का इंडिपेंडेंट होने के बाद से ब्रिटेन, इंडिया, नेपाल ने एक थ्री पार्टी एग्रीमेंट साइन किया। उस एग्रीमेंट के टर्म्स के हिसाब से 6 गोरखा रेजिमेंट, जो कि पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी का पार्ट हुआ करता था, उसको इंडियन आर्मी का हिस्सा बना लिया गया। उसके बाद से 6 गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी में सर्व कर रही है। जो गोरखा रेजिमेंट की जो मेन ट्रूप्स है वो मेनली नेपाल के गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो गोरखा होते हैं वो बैटल में बहुत ही ज़्यादा करेज से लड़ते हैं। गोरखा रेजिमेंट को बहुत सारे गारंटी अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, इंडियन आर्मी में शामिल होने से पहले भी और इंडियन आर्मी में शामिल होने के बाद भी। जितने भी गोरखाज हैं वो अपने सिग्नेचर के रूप में एक कुकरी नाइफ अपने साथ लेकर चलते हैं। 7th गोरखा राइफल और 10th गोरखा राइफल को, जो कि ब्रिटिश आर्मी में ट्रांसफ़र करने के लिए चुने गए थे और वो ब्रिटिश आर्मी में शामिल नहीं हो पाए थे, उनको इंडियन आर्मी में 7th गोरखा राइफल रेजिमेंट के नाम से एक नई रेजिमेंट बनाई गई। गोरखा रेजिमेंट के गोरखा सोल्जर्स की फाइटिंग क्वालिटीज़ को देखते हुए सर डेविड ने उनकी पोटेंशियल को रियलाइज़ किया, क्योंकि उसके पहले गोरखाज को मेनली इरेगुलर फोर्सेस के रूप में यूज़ किया जाता था। 24 अप्रैल 1815 को गोरखा रेजिमेंट के फर्स्ट बटालियन को नसीरी रेजिमेंट के नाम से रेज किया गया। इस रेजिमेंट को बाद में बदलकर फर्स्ट किंग जॉर्ज ओन गोरखा राइफल के नाम से कर दिया गया। गोरखा सोल्जर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेंशन में भी बहुत मदद किया है। गोरखाज ने गोरखा सिख वॉर, एंग्लो सिख वॉर, अफगान वॉर और 1857 के इंडियन रेबेलियन को सप्रेस करने के लिए भी यूज़ किया गया है। इन सारे समय में शुरू से लेकर अंत तक ब्रिटिशर्स ने गोरखा सोल्जर्स को रिक्रूट करना बंद नहीं किया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में गोरखाज के टोटल 10 रेजिमेंट थे। गोरखा रेजिमेंट ने दोनों ही वर्ल्ड वॉर में कॉमनवेल्थ आर्मीज के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया, नेपाल और ग्रेट ब्रिटेन ने एक थ्री पार्टी एग्रीमेंट को साइन किया और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के टोटल 10 गोरखा रेजिमेंट में से 6 गोरखा रेजिमेंट को ने इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया, जो कि थी फर्स्ट किंग जॉर्ज ओन गोरखा राइफल, 3rd क्वीन अलेक्जेंडर ओन गोरखा राइफल, 4th प्रिंस ऑफ वेल्स ओन गोरखा राइफल, 5th रॉयल गोरखा राइफल्स, 8th गोरखा राइफल्स एंड 9th गोरखा राइफल। इंडिपेंडेंस के बाद गोरखा सोल्जर्स ने बहुत सारे मेजर कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया है और बैटल और वॉर्स को भी लड़े हैं। इस रेजिमेंट ने बहुत सारे गारंटी अवार्ड्स जैसे कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र जैसे गारंटी अवार्ड्स को भी जीते हैं। सैम मानेकशॉ, जो कि इंडिया के दो में से एक फील्ड मार्शल रहे हैं, वो भी 5 गोरखा राइफल यानी फ्रंटियर फोर्स के सोल्जर थे। जनरल दलवीर सिंह सुहाग रिटायर्ड, ये 5 गोरखा राइफल को बिलोंग करते थे। और जनरल बिपिन रावत, जो कि अभी इंडिया के CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, वो भी 11th गोरखा राइफल को बिलोंग करते हैं। करेंटली इंडियन आर्मी में गोरखा सोल्जर्स की टोटल 39 बटालियन हैं, जो कि 7 गोरखा रेजिमेंट में आती हैं। इनमें से 6 रेजिमेंट को ब्रिटिश इंडियन आर्मी से ट्रांसफ़र किया गया है और एक इंडिपेंडेंस के बाद बनाया गया है। अब बात करते हैं कौन से गोरखा रेजिमेंट में कितने बटालियन हैं। 3 गोरखा राइफल में 5 बटालियन, 4 गोरखा राइफल में 5 बटालियन, 5 गोरखा राइफल में 6 बटालियन, 8 गोरखा राइफल में 6 बटालियन, 9 गोरखा राइफल में 5 बटालियन और 11 गोरखा राइफल में 7 बटालियन है, जिसको कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद बनाया गया है। अब बात करते हैं रेजिमेंटल सेंटर्स की। गोरखा रेजिमेंट के रेजिमेंटल सेंटर्स इंडिया के कुछ मेजर सिटीज़ में हैं। बेसिकली इंडिया की 4 मेजर सिटीज़ में 4 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिसमें से पहला है 11 गोरखा राइफल रेजिमेंट, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद आता है 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद आता है 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और आखिरी है 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, जो कि हैप्पी वैली शिलोंग मेघालय में है। इसके अलावा गोरखा मेनली GRD यानी गोरखा रिक्रूटिंग डिपोर्ट, जो कि गोरखपुर
उत्तर प्रदेश में है भर्ती होते हैं। तो ये था गोरखा रेजिमेंट के कुछ हिस्ट्री, कुछ डिटेल्स। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर गोरखा रेजिमेंट के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबा देना।